ये मारा क्या बन गया ग्राफ क्या बोलते इसको क्या बोलते इसको ये बार बोले कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है लिख लो कंसीडर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट ए चार्ज हम लिखा यहाँ पे प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट ए इज एनी पॉइंट इन स्पेस हुज पोजिशन वेक्टर इज आर ए बी इज अनदर पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज आर बी हमारे पास एक चार्ज है और ये मेरा हवा ये अपने इसके अराउंड अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ए हमारे पास कोई पाथ है ए बी बी ए बाई पाथ ए बी आइदर कर्व्ड और स्ट्रेट अगर जनरलाइज में करना है तो फिर हम कर्व लेते हैं कर्व को कभी स्ट्रेट कर ले सकते हैं लेकिन स्कूल में स्ट्रेट किया फिर उसको जनरलाइज नहीं कर सकते लेट पी इज एनी पॉइंट इन द कर्व्ड पाथ व्हिच पोजिशन वेक्टर इज आर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होगा पी पॉइंट पे हाँ अभी तक तुम लोगों इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ ये चार्ज है मैंने यही से लाइन ड्रॉ किया है अच्छा स्ट्रेट है सॉरी एक्चुअली तो आगे कोई होगा इसी रास्ते होगा ना हां इसी रास्ते होगा ना लेट ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डिस्चार्ज एक्चुअली बोलते आप लोग यहाँ से भी सीधा लिया है तो यहाँ पे भी इसी रास्ते होगा यहाँ पे भी इसी रास्ते होगा यहाँ पे ऐसे होगा यहाँ पे इसी रास्ते होगा कंसीडर ए स्मॉल लाइन एलिमेंट पी इधर पर पॉइंट पी है अब मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं पी क्यू अलोंग पाथ किस पाथ में ए बी लेट लेंथ ऑफ दिस लाइन एलिमेंट इज ए लेंथ है डी एल लाइन एलिमेंट का मतलब समझते आप लोग हैं मैंने बोला ये सीधा है अब ये रिंग है एक रिंग है इसमें से मैंने एक लाइन एलिमेंट ले लिया तो सीधा हो गया मैं तो सीधा मान रहा हूँ उसको मैंने रिंग में काटा तो सीधा सीधा हो गया सीधा नहीं होता पर मतलब हां हमारी धरती प्लेन है कि कैसी है जैसे मैं आपको प्लेन दिखती है ना जब प्लेन्स में जाते हैं आप लोग प्लेन्स मतलब समुद्र जगह में हिमाचल जैसी जगह हिमाचल में पहाड़ दिखते हैं तो हमें धरती कैसी दिखती है प्लेन दिखती है तो प्लेन है धरती कैसी है कैसी है स्फेरिकल है गोल है ना धरती तो गोल है पर हमें प्लेन क्यों दिखती है बचपन में पढ़ते हैं उसको क्यों दिखती है प्लेन क्या आंसर देते हो आप लोग क्योंकि हम क्या पे उस पॉइंट पर लाई कर रहे हैं ना हाँ। तो इसीलिए वो हम जैसे सर्कल के अंदर उस खड़े हुए हैं हाँ। इसलिए तो हमें आगे स्ट्रेट दिखती है और बोले कुछ कुछ क्या होता है देखो हम छोटा सा पार्ट देख पा रहे हैं उसका जब हम इस रिंग का भी बहुत छोटा पार्ट अब हम तो आंखों से काम कर रहे हैं ना यहाँ पे अब छोटा पार्ट हम तो ऐसे ब्रेक करेंगे हाँ तो जो बिल्कुल छोटा पार्ट होगा वो क्या होगा स्ट्रेट ही होगा इसलिए इसको ऐसे मानते हैं ठीक है फिर लेट थीटा इज एंगल बिटवीन किसके ई और डीएल के बीच में एंगल थीटा है
तो मैंने यहाँ लिख दिया थ्री टावर। क्या जैसे हम वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते थे ना, हम वहाँ टेस्ट चार्ज रखते थे इनफाइनाइट समझ याद है टेस्ट चार्ज, यहाँ पे हम कंसिडर करें यूनिट चार्ज। तुम्हें समझ में आएगा बाद में यूनिट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, यूनिट चार्ज ठीक है। लेट के लिखो लिखो वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू। तो मैं इसको ऐसे डब्ल्यू डी एल लिख दिया, क्या होगा क्या होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो गया एफ डॉट डी एल, क्या हुआ इस केस में, ये भी यहाँ की चार्ज है यहाँ बोल दिया हमने, यहाँ की चार्ज यहाँ से आपने मूव किया, क्या हुआ यार जाम चार्ज जाम को मूव कर रहा है ना। तो चार्ज एक इसके और इसके बीच में फोर्स कितना होगा, इस और इसके बीच में इन दोनों के बीच ई जो आया होगा ना, कैसे आया ये, ऐसे किया ना तुम लोगों ने, मेरे को पता है आया कैसे, तुम लोगों ने किया ना, तब तो बोल रहा हूँ कैसे आया ये, मैंने सीरीज को इस तरह से लिखा। जो क्या होता है यूनिट चार्ज है, एफ क्या होता है एफ इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है तो चार्ज ए वाला रहेगा ठीक है, F होगा Q E। अब हमारे पास Q कितना है यहाँ पे, यूनिट चार्ज मतलब वन वन है ना, तो F कितना हो गया हमारे पास E हो गया, तो हमारे पास E डॉट डी, तुम लोग इसे इस लिखना मैं खराब लिखता हूँ, इतना मत लिखना ठीक है, ये हो गया E डॉट डी एल। तो यहाँ यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने में इतना काम करना पड़ा। अब हमने कहा इसका वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो यहाँ लिखे मैंने डब्ल्यू डी एल, तुम लोग डी एल मत लिख रहा, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ कुछ भी, हाँ गलत नहीं है सही है ए टू बी, क्योंकि ए टू बी क्या है पाथ है हमारे पास ई डॉट डी एल, ये हो गया इंटीग्रेशन होगी इसकी। अब ई कितना है हमारे पास, देखो आप लोगों को मैंने इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, ये मैंने आप लोगों को बताया है ए सिंगल होगा तो लाइन इंटीग्रल, ए सरफेस इंटीग्रल, ए ये क्या होता है वॉल्यूम इंटीग्रल होगा इस पॉइंट पे ई, बोलो जल्दी इसकी वजह से ई कितना होगा यहाँ पे, अब मैं फास्ट हो जाऊंगा, ई कितना होगा सिंपली क्या बताया मैंने के ये वाला क्यू होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर वेक्टर में लिखना है तो एक डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन में होगी आर है ना, आर वेक्टर ना है तो आर कैप लगा दे रहे हैं तो जाएगा आर कैप, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, मैं स्टेप स्किप कर रहा हूं कॉन्स्टेंट में बाहर निकाल दे रहा हूं, देखो के कॉन्स्टेंट रहेगा क्यू कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या बच गया अंदर ई में से क्या बच गया आर स्क्वायर, वन अपॉन आर स्क्वायर रह गया और ये डी एल डॉट आर कैप पहले है तो फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि डॉट पर रखते हैं ठीक, पता ना वेक्टर केस में ए क्रॉस बी जो है B क्रॉस A नहीं होता है लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है, डॉट प्रोडक्ट में तुम लोग कर सकते हो ऐसा, ये भी ध्यान रखनी चीजें क्यों, क्योंकि A क्रॉस B की डायरेक्शन कुछ और होगी, B क्रॉस A की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक नहीं है ठीक है। अब देखो डी एल इधर को है आर कैप इधर को है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तुम लोग लिखो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा डी एल कॉस थीटा, तो जाएगा डी एल कॉस थीटा, आर कैप कहाँ गया
नीचे आ जाएगा नहीं आर कैप कहाँ गया जल्दी बोलो भाई तुम्हारे तुम मतलब कुछ गायब होता रहे कुछ आता रहे तुम लोग फर्क नहीं पड़ता उससे नहीं कहाँ गए आर कैप पर मैंने तुम लोगों को नहीं समझाया था ये चीज आर आर कैप क्या था यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वन तो जब हमने डी एल डॉट आर कैप किया तो क्या डी एल आर कॉस थीटा पर आर क्या है यहाँ पे वन है तो डी एल कॉस थीटा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है ये ऐसे कुछ गायब हो रहा है ऐसे नहीं करना है ठीक है यहाँ पे मामला हाँ अब क्या करना हमने डीएल कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है डीएल कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है क्या करना हमने हमारे पास यहाँ पे थीटा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस पॉइंट पे इस लाइन पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने इसमें ठीक इसका नाम रखा हमने पॉइंट पी है इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने एन अब इस ट्राइंगल की शेप देख पा रहे हो तुम लोग यहाँ पे 90 बना अब cos theta क्या बनेगा यहाँ पे इस ट्राइंगल से पर cos theta क्या बनेगा ये पी ए पॉइंट है पी ए वाला पॉइंट है एन ए वाला पॉइंट है PQ, ठीक है क्या फ्रॉम ट्राइंगल पी एन क्यू है ना वो फ्रॉम ट्राइंगल पी एन क्यू क्या पी एन अपॉन पी क्यू बोल रहे हो एक बार तुम्हारे पास पी एन अपॉन पी क्यू कितना हो गया कॉस थीटा अब पी क्यू कितना हमारे पास अब क्या है जैसे हमने ए से बी मान लो लेंथ थी एल मान लो ए बी और बी तो पॉइंट थे पर सपोज लेंथ वाज एल वैसे यहां से यहां तक लेंथ कितनी है आर तो वैसे हमने माना कि ये भी छोटी सी लेंथ कितनी है डी आर अगर डी एल और डी आर है ना मतलब ये छोटी है तो ये भी छोटी होगी ठीक नहीं है तो ऐसा पर ऐसा केस जरूरी भी नहीं होता है ध्यान रखना जनरलाइज नहीं है कि एक ट्राइंगल की एक चीज छोटी तो सब जरूर छोटी ऐसा नहीं हो सकता ट्राइंगल ऐसे हो सकती है ऐसे ठीक नहीं है हाँ तो इस चीज का ध्यान रखना समझ लो मतलब ये जनरलाइज नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया ये हमारे पास डी आर इक्वल टू डी एल कॉस थीटा और देखो डी एल की वैल्यू आ गई यहाँ पे डी एल कॉस थीटा वैल्यू कितनी होगी डी आर करो तुम इसको ये हो गया हमारे पास के क्यू मैं ऐसे लिख रहा हूँ बाहर ए टू बी ये हो गया डी आर अपॉन आर स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन करो जल्दी से बोलो ये कितने इंटीग्रेशन इसकी क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन मेरे पे अति इंटीग्रेशन है ए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ गया है हमारे एक्स रेट और एन की इंटीग्रेशन की आती है ठीक है मैं इसको कर रहा हूँ ये आ गया आप लोगों के पास एक चीज अब क्या कर रहा हूँ मैं देखो इस पॉइंट का वेक्टर क्या है आर ए इसका क्या है आर बी तो जब हमने यहाँ पे डी आर कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आर ए आर बी कितना पता है ना क्यों हम ये वेक्टर ऐसे इंटीग्रेट करेगा आज समझ नहीं आया ठीक है पहले लाइन इंटीग्रल कर रहे थे लेकिन अब हम डी आर में चेंज कर दिया इसको क्योंकि डी एल हटा दिया ना हमने अब हमने डी आर में चेंज कर दिया इसको तो डी आर देखो ये डी आर डी आर कहाँ से चेंज हो रहा है यहां से लेके ऐसे करके आर ए से आर बी के बीच में चेंज हो रहा है हाँ
तो हो गया आर ए आर बी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास देखो आर एस टू माइनस टू है एक्स एक्स रेस टू पावर एन की इंडिकेशन क्या होती है, ये हो जाएगा आर एस टू पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, ठीक है आर ए आर बी। बाकी ये भी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आर माइनस वन माइनस वन। यहाँ तक पहुँच गए, एक चीज़ क्या बोल गया हम तुम लोगों के ध्यान का है आर ए आर बी क्या हो जाएगा, ये माइनस वन में बाहर रख रहा हूँ, ये हो जाएगा वन अपॉन माइनस है ना वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए, ऐसे हो गया। तो अब इसको थोड़ा सही करके लिख दो सजा के, अब मैं इन चीजों को लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा है क्यू क्यू देखो अपॉन आर ए माइनस आर बी। तो ये आप लोगों के पास क्या क्या शुरू में क्या डेफिनेशन लिखाई थी, वर्क कंजर्वेटिव फोर्स क्या डेफिनेशन लिखाई थी, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ऐसा लिखा है वर्क डन इन मूविंग चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो इस इक्वेशन को देखो, इसमें तुम्हें कहीं पाथ दिख रहा है आर ए माइनस आर बी, मतलब इनिशियल पोजीशन इसका इसका पोजीशन वेक्टर है, इसमें डिपेंड कर रहा है और इसमें बोलता है आर ए और आर बी में, आर में नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक तो ये चीजें प्रूव होगी, ठीक है वो माइनस वन का है ये जो माइनस देर होगा। हाँ तो मैंने बोला ऑब्जर्व हो जाएगा, जब इसको अंदर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो वही किया हमने। कुछ डाउट इसमें।